हेलो एंड वेलकम टू द क्लास एलेवंथ ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम यूनिट टू ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके क्या क्या काम होते हैं द फर्स्ट फंक्शन इज़ कि आई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एब्रिवेटेड एब्रीवेटेड एज आई ओ सी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डस्ट डिफरेंट फंक्शन विच आर एज फॉलो ये फंक्शन है द फर्स्ट फंक्शन ईयर इज द वेन्यू वेयर द ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज इज डिसाइडेड बाई दिस कमेटी यानी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ही डिसाइड करती है कि ओलंपिक जो गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे यानी वेन्यू किस सिटी में किस कंट्री के अंदर होंगे वो कौन डिसाइड करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू इलेक्ट द न्यू मेंबर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स एंड सिलेक्शन ऑफ होस्ट सिटी ठीक है इलेक्ट करना नए मेंबर्स को इलेक्ट करना जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उनकी सही से फंक्शनिंग सही से अरेंज करके कराना उन्हें और जो होस्ट सिटी है कि वो स्पोर्ट्स कहाँ पे होंगे उस सिटी का सिलेक्शन करना नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स और गेम्स के प्रमोशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड फाइट अगेंस्ट डोपिंग और डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करना यानी लड़ना डॉपिंग वो होता है कि जब कोई भी एथलीट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक ऐसा केमिकल या ड्रग का यूज़ करता है ताकि जो स्ट्रेंथ है वो बूस्ट अप हो सके और ऐसे जो ड्रग्स हैं जो ने कैटेगरी बनाई गई है कि उन्हें लेने बिल्कुल ही क्या है बैंड है अगर उसके बावजूद भी कोई जो एथलीट है वो डोपिंग करता है तो उसे डिसक्वालीफाई करना और स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नेक्स्ट इज़ मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गेम्स कि जो गेम सही से हो सके उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है टू एनकरेज द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द सपोर्ट बाई सोशल एंड इकोनॉमिक वे टू द प्लेयर्स और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मोटिवेट करना एनकरेज करना कि वो जितने भी सोशल और इकोनॉमिक वे हैं उनमें हेल्प करें प्लेयर्स की क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स क्या होते हैं वो टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो वो एनकरेज करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ऐसे प्लेयर्स को सोशली और इकोनॉमिकली दोनों वे में सपोर्ट करें देन इट एनकरेज द एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स ठीक है और ये जो इंक्रेज करता और सपोर्ट करता कि एथिक्स को जो है स्पोर्ट्स में भी अप्लाई किया जाए और एजुकेशन में भी जो यूथ है स्पोर्ट्स के थ्रू ठीक है एथिक्स का मतलब डूज एंड डोंट्स होता है यानी अपने आप को एक सीमा में बांध के वर्क करना होता है इसके अंदर कि कहीं दूसरे को हम जो है वो नुकसान ना पहुंचा दें तो जो एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है देन टू मोटिवेट द कल्चर एंड एजुकेशन कम्बाइंड अलोंग विद स्पोर्ट्स कि मोटिवेट करना है कल्चर को और एजुकेशन को और साथ में किसके स्पोर्ट्स के, के। यानी स्पोर्ट्स के साथ साथ जो कल्चर है उसका भी मोटिवेशन होना है और जो एजुकेशन है वो भी मोटिवेट हो स्पोर्ट्स के साथ में ये भी काम इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी करती है देन फाइट अगेंस्ट पोलिटिकल और कमर्शियल एब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स की जो पोलिटिकल या कमर्शियल एब्यूज होते हैं स्पोर्ट्स के एथलीट्स के उनके अगेंस्ट भी ये फ़ाइट करता है ये उनके खिलाफ करता है कि वो कभी भी कोई रूल रेगुलेशन ब्रेक ना होने दे, या किसी स्पोर्ट्स को जो ऐसा स्पोर्ट्स हो जिसे एक्सेप्टेड ना किया जा सके तो उसको भी ये एब्यूज वग़ैरह पॉलिटिकल एब्यूज से बचाता है यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो कि जो पॉलिटिशियन है वो सेलेक्ट करके भेजते हैं ये हमारा प्लेयर है और सिफारिशें उन सब से अगेंस्ट रहता है Then next is encouraging and supporting the promotion of women in sports at all level और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो women है वो भी sports के सभी level में क्या करे participate करे तो उसके लिए encourage का encourage जो support करता है उन्हें भी and acting against any form of discrimination affecting the Olympic movement कि Olympic movement को जो भी ऐसी चीजे जो अफेक्ट करती हो उस सबके अगेंस्ट ये क्या करता है एक्ट करता है यानी उसके सबके अगेंस्ट रहता है देन टू मोटिवेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है उसमें मोटिवेट करना एंड टेकिंग एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मोमेंट और एक्शन लेना ठीक है ताकि क्या करे कि जो यूनिटी है और प्रोटेक्ट करता है वो इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट यानी जो ओलंपिक मूवमेंट है तो उसकी इंडिपेंडेंस और उसमें जो यूनिटी है उसको मजबूत करता है तो इसके लिए भी वो क्या करता है एक्शन लेता है कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो दीज और द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी